गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की जो एक कहानी है वो एक एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि अपने कार्यों से, अपने व्यवहार के कारण जो है दुखी रहता है और ये सोचने लगता है कि भी इस दुनिया में इससे बड़ा कोई दुखी इंसान हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं हूँ और भगवान ने मुझे क्यों इतने सारे दुख दिए। इस चीज को जो है सोचते सोचते जो है वो ये कहता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तपस्या करूंगा और भगवान से पूछूंगा कि मेरे दुखों का कारण क्या है और मेरे इन दुखों का समाधान कैसे हो सकता है। तो जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर जो है तपस्या शुरू करता है, भगवान को याद करता है। और जब सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान प्रकट होते हैं और उसको पूछते हैं कि बताओ भाई क्या समस्या है, क्यों याद कर रहे हो। तो भगवान के सामने वो रखता है प्रश्न कि हे भगवान, इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान हो तो मैं हूँ, मेरे इन दुखों का निवारण करो, मेरे इन कष्टों को जो है कम करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। ये लो दो बैग पकड़ा दिए उसको, भी दो बैग लो, एक को तो अपनी पीठ पे बांध लो और एक को अपनी छाती पे बांध लो। और अब तुम्हें रोज करना ये है कि जो बैग तुम पीठ पे बांध रहे हो उसको तो हमेशा के लिए बंद रखना है, कभी खोलना नहीं है। और जो तुम बैग अपने छाती पे लगा के रखोगे उसको रोज सुबह खोल कर टटोलना है, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है गुरु जी, ये तो बहुत आसान है, मैं रोज ऐसा ही करूंगा। और भगवान वहां से चले गए, ये भी अपने घर आ गया और ये प्रक्रिया शुरू कर दी। और अब जो है कुछ दिनों बाद, 5, 7, 10 दिन बाद जो है रोमेश्वर उज्जैन में यही चलता, रोज सुबह खोलता, देखता और चलता। लेकिन 10-15 दिन हो गए, उस बंदे को जो है कोई और ज्यादा दुखी हो गया, वो पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने कहा भगवान ने तो कहा था दुख दूर हो जाएंगे और मेरे तो ज्यादा समस्या हो गई, अब क्या करो। तो फिर से उसको जो है कोई उपाय नहीं सूझा, तो फिर से जो जंगल में गया और भगवान की तपस्या में लीन हो गया। फिर से भगवान प्रकट हुए कि बताओ भाई अब क्या समस्या है, तेरी समस्या का तो समाधान कर दिया मैंने। तो उन्होंने कहा समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्या और ज्यादा बढ़ गई, कैसे कैसे हो सकता है कि ये देखो। तो भगवान ने कहा इधर आ। और जब उसको देखे कि भाई जो बैग छाती पे बांध रखा था वो तो पीठ पे बांधना था, और जो पीठ पे बांध रखा था उसको छाती पे बांधना था। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, तूने तो ये उल्टे बांध दिए दोनों, अब इनको चेंज करो तब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। उसने कहा ठीक है। फिर जो है वहां से बैग चेंज कर लिए, घर गया और अब रोज रूटीन वही चलने लगा कि सुबह होते ही जो है अपने बैग को खोलता, टटोलता और चलता गया। 10 दिन 15 दिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया उसके कष्ट धीरे धीरे कम होने लगे, खुश रहने लगा, लोगों से मिलने लगा, अच्छी बातें करने लगा। तो ये जो फर्क था ये उसमें नजर आने लगा और अब जो है वो भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भाई हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी ताकि जिसके कारण मेरा ये जो सारे दुख है ये कम होने लगे, दर्द कम होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उन बैग में ऐसा क्या होगा, क्यों उन बैग के कारण जो है उसके दुख पहले बढ़ गए और फिर एकदम से कम हो गए। तो अब मैं बता दूं कि उन बैग के अंदर जो बैग छाती पे बांधना था उस बैग में उस इंसान की खुद की बुराइयों के बारे में सारी चीजें थी, खुद की बुराइयां थी। और पीछे जो था वो दूसरे लोगों की जो बुराइयां हैं, दूसरे लोगों की जो कमियां हैं वो पीछे वाले में थी। और अब उसको करना ये था कि भी रोज सुबह अपनी कमियों को टटोलना था, अपने आत्म अवलोकन करना था, आत्म मंथन करना था कि भी मुझ में क्या कमी है और कौन सी बुराई है जिसको कि मैं दूर कर सकूं। तो पहले उसने क्या किया, दूसरों की कमियां ढूंढता और फिर से जाके दूसरों की निंदा करने लगता, इधर उधर की बातें करता, इसको इसकी सुनाता, इसको उसकी सुनाता, और इसकी वजह से लोग वापस उसको बोलते तो ना हमारे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा, और दुखी होने लग गया। लेकिन जब उसने बैग को चेंज किया तो पीछे वाले दूसरों की बुराई के बारे में तो भूल गया, उसका ख्याल ही नहीं आया और खुद की कमियां नजर आने लगी। तो जैसे जैसे खुद की कमियां नजर आने लगी, खुद की बुराइयां नजर आने लगी, एक एक करके अपनी कमियों को वो
कम करने की कोशिश करने लगा, बुराइयों को मिटाने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी चीजें ठीक हो गई। तो हमें भी अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, अपनी कमियों को अपना मूल्यांकन करना है, खुद का आत्म मूल्यांकन करते रहना है कि भाई मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ, बजाय ये कि दूसरों की गलतियां ढूंढना। ठीक है, जैसा कि कबीर दास जी का है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी बिन साबुना निर्मल होय सुहाय। यानी कि निंदक जो है, जो अब दूसरे लोगों की निंदा करने वाले हैं, बुराइयां करने वाले हैं, उनको जो है अपने घर के पास रखो। अगर उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए मकान बनवा के उनकी व्यवस्था करवाओ, ताकि वो तुम लोगों की निंदा करेगा, तुम लोगों की बुराइयां करेगा। तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि एक कपड़ा जो होता है वो साबुन और पानी से जो है उसके मैल साफ हो जाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, मैल उतर जाते हैं। वैसे ही अगर लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे तो तुम्हारे जो मैल है, जो तुम्हारी कमियां है, वो ठीक होती जाएगी और वो मैल उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। तो हम भी जो है अपनी दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या किसी दूसरों की चुगलियों में या दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कभी खुश नहीं रह सकते। कभी न कभी तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो बात कभी न कभी उस तक पहुंचेगी, और जैसे ही वहां पहुंचेगी वो आपसे पूछेगा, फिर आपको चार पांच एक्सक्यूज बनाने पड़ेंगे, बहाने बनाने पड़ेंगे, आपको भी दुखी होना पड़ेगा। तो कोशिश ये रखें कि किसी के बारे में किसी की गलत चीज, किसी की पीठ पीछे बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। और दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी व्यक्ति की अच्छाई को उसके सामने नहीं कहना है कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप में ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी अच्छाई उसके सामने कहोगे तो उसमें अहंकार का भाव आ जाएगा कि मैं तो इतना अच्छा हूं। और कभी भी किसी व्यक्ति की बुराइयों को दूसरे व्यक्तियों को मत कहो। जिस व्यक्ति की जो बुराई है उसके सामने उसको अकेले में ले जाके बोलो कि भाई ये चीज आपकी कमी है, इसको आप सुधार करो। जिससे क्या होगा कि दूसरों की हंसी का पात्र भी वो नहीं बनेगा और अपनी कमियों को भी ठीक कर सकेगा, उसको एक मौका मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर अपने दैनिक जीवन में, क्या करते हैं कि सामने तो कोई भी व्यक्ति आया था, हाँ साहब आप तो बहुत अच्छे हो, और ये है और वो है, आप में ऐसी है, और जैसे ही गया ये तो ऐसा है और वैसा है और वैसा है। तो ये चीजें जहां तक संभव हो इन चीजों से हमें बच के रहना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने आप को दुखी नहीं करना है। उस इंसान की भांति अपने खुद की कमियों का रोज मूल्यांकन करना है, उनको सुधारने की कोशिश करनी है और अपने जीवन में खुश रहना है, सुखी जीवन व्यतीत करना है। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।